मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल। ते आज आप फर्स्ट डे है बाकू में, तो रात को मैं साहिल हॉस्टल में आया। पहले तो ये भाई मिले हमको। हेलो, ये अमृतसर से हैं प्रिंस, प्रिंस भाई हमारे। मेरे को हॉस्टल आने के बाद ना ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं अजरबैजान आ गया। मेरे को ऐसे लगा कि मैं इंडिया आ गया भी। रात को 12 बजे भी ये कह लो इतने अपने इंडियन बैठे हुए थे रिसेप्शन पे, तो मज़ा आ गया। जैसे जॉर्जिया में मैंने इंडियन कोई देखा ही नहीं था और मन खुश हो गया सबको मिलके। अब भैया के साथ जा रहा हूँ क्योंकि पहले सिम कार्ड लेना है, एक नाश्ता वाश्ता भी करना है और थोड़ा बहुत आज भैया की गाइडनेस लेके हम घूमेंगे। तो मैंने इनको तकलीफ दी, मैं कह चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। वही बात होती है कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी के काम आ जाता है। और बाकी रहूँगा मैं बाकू में 4 दिन और बाकू आपको एक्सप्लोर कराते हैं। बाकी वही बाकू के अंदर नाइट लाइफ का तो मेरे को आइडिया नहीं कैसी है, बट आई हैव टू अरेंज समथिंग फॉर यू स्पेशल। तो चलिए हमारे साथ बाकू देखिए, खूबसूरत सा। बट ये ना बेटर है जॉर्जिया से, जिसका मेरे को फर्स्ट इम्प्रेशन रहा ना वो बड़ा सुपर रहा। जैसे जॉर्जिया का इम्प्रेशन तो मतलब के ये कह सकते हो सोवियत संघ के पुराना है, बट ये इसमें काफ़ी चीज़ें आपको नई भी नज़र आ जाएंगी। चलो पहले सिम कार्ड ले लें और फिर आपको दिखाते हैं आगे बाकू। चलिए जी, सिम ले लिया तो बैक्सेल का लिया। यहाँ पे दो कंपनी है सिम की, एक तो है बैक्सेल, दूसरी है अजरबैजान सेल। बैटर तो अजरबैजान का नेटवर्क है, बट वो मेरे हॉस्टल के पास नहीं था, थोड़ा फार था, तो मैं कौन इतनी हरासमेंट से, मेरे को खाली नेट ही चाहिए। बैक्सेल भी ई सिम प्रोवाइड करता है। इफ़ यू आर यूजिंग द आईफोन देन यू कैन बाय द ई सिम आल्सो। बट इसमें एक लोचा मेरे को बड़ा अजीब लगा। आप पहली बार जैसे अजरबैजान आके सिम लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपको फ्री सिम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सेकंड टाइम आके यहाँ पे सिम बाय करते हो, एक बड़ी अजीब बात लगी। जैसे मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ 13, तो अगर आप आईफोन के लिए सेकंड टाइम यहाँ आके सिम बाय करते हो तो आपको 150 मन्नत इनको रजिस्ट्रेशन के पे करने पड़ेंगे, अप्रॉक्सीमेट 7000, बिकॉज आप बाहर की कंट्री का आईफोन यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप 2-3 या 4 बार अजरबैजान आना चाहते हो तो फिर बेटर है कि आप नेटवर्क चेंज कर लीजिए, सेम नेटवर्क मत यूज़ करना, नहीं तो ये 10,000 रुपये की पेनल्टी आपको ठुकने वाली है, ये ध्यान रखना। मैंने प्लान लिया है कुछ 15 मन्नत का प्लान है, जिसमें 11 GB डाटा दिया है फॉर द 30 डेज, बट मेरे को 7 दिन के बाद निकलना है। आई थिंक इट्स एनफ फॉर मी। चलिए बाकी आपको दिखाते हैं। प्रभु जी, प्रिंस भाई के साथ ये कार्ड लिया है जी, ये आ गया अपना बाकू कार्ड है। ये 2 मन्नत का कार्ड है, अप्रॉक्सीमेट 85 रुपये का कार्ड है। 3 मन्नत मैंने इस पर रिचार्ज किया है। मेट्रो में कितने पैसे लगते हैं? 90 सेंट। मेट्रो में लगेंगे 0.90 और बस में? बस जो एयरपोर्ट जाने वाली है बस, वो 28 में से मिलेगी। अच्छा। 28 में स्टेशन है, यहाँ का फेमस है, तो वहाँ से जिसको ऑक्टो वॉक्जाल भी बोलते हैं। ऑक्टोबस। अच्छा। ऑक्टोबस और वॉक्जाल वो सामने ही है, तो वॉक्जाल कहा जाता है यहाँ पे खाली ट्रेन स्टेशन को, और जो ऑक्टो वॉक्जाल है वो बस स्टेशन को, तो वहीं पर दोनों ही है। तो वहाँ से आपको 1.5 सेंट लगेगा, 1 मन्नत 50 सेंट, वो आपको एयरपोर्ट पहुँचा देगी। वैसे बस के ना टोटल जो पॉइंट 50 सेंट कटते हैं, बस में कहीं भी चढ़ो कहीं भी उतरो, क्योंकि इस कार्ड के साथ ना आपका सफ़र बहुत आसान हो जाएगा बाकू में। आप टैक्सियों के चक्कर से बच जाओगे, बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आज पहला दिन है, सिम और ये सिटी कार्ड ये सब चीज़ें लेनी है, क्योंकि सो दैट आगे ट्रैवल में आसानी हो जाए। तो मैं कहा ये इन्फॉर्मेशन वाली, इस बार जैसे जॉर्जिया की वीडियो बनाई थी ना इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वो मेरा बाकू में बनाने का मूड नहीं था। मैं कहा साथ के साथ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता जाता हूँ, इसलिए आज प्रिंस भाई मिल गए भगवान जी की कृपा से, तो मैं कहा चलो इनको साथ लेके भी हमारा मिलना लिखा था, तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए। ये जी अपना हॉस्टल है, ये पूरा बहुत बड़ा डोरमेट्री है, इसमें काफ़ी रूम्स हैं। ये उसकी रिसेप्शन है, ये सारा लिविंग एरिया है। यहाँ पे आपको पूरा पंजाब मिल जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान वाला पंजाब। तो इसके अंदर आपको 4 बेड डोरमेट्री, 8 बेड डोरमेट्री और आपको 12 बेड डोरमेट्री मिल जाएगा, और इसमें प्राइवेट रूम भी है। प्राइवेट रूम का मैंने चार्ज पूछा नहीं था, अप्रॉक्सीमेट 500 से शुरू होके, अगर आप 8 वाला डोरमेट्री लेते हो तो अप्रॉक्सीमेट 500-600 का है। जो आप 8 वाले में जाते हो तो तकरीबन और बढ़ जाता है, और 4 वाले में आते हो तो और बढ़ जाता है। प्राइवेट रूम का पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने पूछा नहीं था, नहीं ना?
We have private room also. Yes, we have family rooms and double rooms. What is the charge for private room? It's like 75 manas. 75. It's for double occupancy? No, it's for four people. It's for the seven four. Again. And double is for two. Double is for two, and what is the charge for double? 55. 50. जो double occupancy वाला room है वो 55 बनना था है approximate समझ के चलो 2300 रुपए का. इनके पास एक four bed की dormitory है, अगर आप family के साथ आ रहे हो या बच्चों के साथ आ रहे हो तो वो आपको पड़ेगी 75 मन्नत की approximate 3300 रुपए बनते हैं Indian currency में. तो hostel बड़ा अच्छा है, साहिल hotel and hostel है, area का नाम साहिल है. आप कंसीडर कर सकते हो, बट थोड़ा सा ओवर क्राउडी और नोसी है. अगर आपको पीस चाहिए तो फिर मे बी यू कैन चेंज योर चॉइस. चलो जी, आपको बाकू की मेट्रो दिखाते हैं. ये है बाकू की मेट्रो. मेट्रो के अंदर 0.90 सेंट, मैं क्या 0.90 सेंट कटते हैं. ये भी, ओह माय गॉड, ये भी अच्छी खासी डीप है, जॉर्जिया की तरह. जैसे जॉर्जिया में थी, आपने तिबलिसी में देखी होगी कि वो मेट्रो भी काफ़ी डीप थी. ये भी सेम लग रही है मेरे को, बट ये उससे, हाँ इधर आ गए, ये उससे काफ़ी वेल मेंटेनेंस है. वो तो एक आपको सोवियत संघ की याद देती है. ये पूरी उससे थोड़ी सी अच्छी तरीके क्लीन एंड क्लियर है. उसकी जो ट्रेन थी बहुत पुरानी थी, इसकी देखते हैं कैसी है मेट्रो की ट्रेन. है जी मेट्रो, पीछे हो जाए यार. जितनी भी आप सोवियत टाइम की मेट्रोस देख रहे हो ना, सब कमाल की बात है कि 100-100 साल, 150-150 साल पुरानी बनी हुई मेट्रो अभी तक भी मेंटेनेंस की हुई है और बहुत साफ सुथरी मेंटेनेंस की हुई है. ऐसा नहीं अभी डब्बे टूटे हुए हैं, पटरियां टूटी हुई हैं, या गंदी है या क्लीन नहीं है. ना कि सुपर साफ सुथरी क्लीन है और बहुत शानदार इन लोगों ने मेंटेनेंस की हुई है. और वहाँ पुलिस वाले ने रोक दिया जी वीडियो बनाने के लिए. मेट्रो में जब उतरे तब पुलिस वाले से ऊपर कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं बोला. जैसे ही ऊपर आए, नो वीडियो, वैसे ही एक लेडी चिल्लाने लगी. चलो मैं आपको ये बता रहा था कि ये सोवियत टाइम की, कि जब सोवियत टाइम था ना, आपको पता ही दूसरी वर्ल्ड वार के बाद हर देश न्यूक्लियर एनिमेशन के अंदर, न्यूक्लियर हथियार बनाने के अंदर दौड़ लग गई थी. तो सबको न्यूक्लियर हमले का, परमाणु हमले का बहुत डर रहता था. तो ये मेट्रो इतनी गहरी इन लोगों ने बनाई थी कि अगर कल को सोवियत संघ के ऊपर, जैसे क्योंकि वो रशिया का पार्ट था, कोई भी परमाणु हमला होता है तो वो अपनी पब्लिक को लेके इन सब गहरी मेट्रोज के अंदर चला जाए और जिसका ऊपर पब्लिक के ऊपर अफेक्ट ना आए. इस वजह से इन लोगों ने इतनी, मतलब के ये कह लो कि गहरी मेट्रो बनाई थी. ये एक रीज़न था इतनी डीप मेट्रो बनाने का. अभी आ गए हम बहर सेंटर पॉइंट. ये यहाँ का सेंटर पॉइंट है जी. चलिए अभी आपको बाकू का सेंटर दिखाते हैं. अभी सेंटर में आगे हम आए हैं नरीमन. एक नरीमन पॉइंट मुंबई में है, एक नरीमन पॉइंट यहाँ पे भी है. तो जो मेरे साथ प्रिंस भैया थे अमृतसर वाले, उनके साथ आए हैं घूमने, तो वो भी अपना ब्लॉग बनाते हैं. तो उनके साथ अभी घूमते हैं, तो एक नरीमन पॉइंट आपको दिखाते हैं. है जी यहाँ का मेन अट्रैक्शन, हैदर अली सेंटर बोला जाता है इसको. ये इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर के नाम पे है और बड़ी कमाल की ये तीन बिल्डिंगें हैं. इन तीनों की आओ कम, ये हमारे रशियन दोस्त हैं. हेलो हेलो, ये लेके आए हैं हमें घुमाने के लिए. ये मेट्रो में मिले थे, बट इसको इंग्लिश नहीं आती. इसको, यू स्पीक रशियन? यू रशियन? इज नायो रशियन, इज नायो. यस यस. ओह तो इनके साथ आए हैं घूमने. तो तो क्या गया, ये मेजर ये सेंटर है. ये बिल्डिंग देख लीजिए, बहुत खूबसूरत सेंटर है. बट इसकी एंट्री ना 15 मन्नत है, तो अंदर तो मैं जाऊंगा नहीं जी. 15 मन्नत एक म्यूजियम है, बाहर से बिल्डिंग देखने लायक है कि म्यूजियम है. तो 15 मन्नत लगाने का कोई मूड नहीं है. अप्रॉक्सीमेट 800-850 रुपये लगते हैं.
अंदर म्यूजियम में खाली देखने के लिए बाहर से ही एक दो चीज़ें देखेंगे और आपको भी बाहर से ही दिखाऊंगा कि नजायज एंट्री है। अगर कोई रशियन मिल गया तो दो मैं कह दो मन्नत एंट्री है, अगर किसी के पास अपना आईडी हुआ ना रशियन के पास तो वो दो मन्नत एंट्री है। अगर आप आओ तो बड़ा शानदार वीआईपी सा एरिया है। ये वो सेंटर है जी, एक ये बिल्डिंग भी है, तीनों में म्यूजियम ही है। एक वो उस साइड है तो वो स्टेडियम है, अंदर तो हमने जाना नहीं ना। एंट्री है जी 15 मन्नत मेन हैदर अली सेंटर की और 10 मन्नत का यहाँ पे कोई एग्जीबिशन लगी हुई उसकी एंट्री है, तो 25 मन्नत एंट्री है, अप्रॉक्सीमेट 1200-1250 रुपये बनती है इंडियन में। तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बाहर स्क्रीन लगी उस पर दिखाया गया कि क्या है, तो लग नहीं रहा मेरे को बर्थ था कि 1200 रुपये देने के लिए। बाहर से बहुत प्यारा बना हुआ है क्योंकि लोग मेन बाहर की फ़ोटो लेने के लिए आते हैं, तो अगर आप आओ अगर आपको लगे कि वर्थेबल है तो डेफ़िनेटली आप विज़िट कर सकते हो, मेरे को नहीं लगा तो इसलिए मैं नहीं विज़िट कर रहा। मैं हम बैठे हैं अभी रिसेप्शन पे क्योंकि बाहर धूप इतनी है 37 डिग्री में, कपड़े हो गए गीले पसीने से, मैं कहीं यहाँ एसी का मज़ा लेके 10 मिनट रेस्ट करके फिर चलते हैं आगे, क्यों भाई आने की तुर्की आए हैं उसका तो फ़ायदा लेना ही है। कहीं गर्मी से भाग के इंडिया से अजरबैजान आए कि अजरबैजान में इंजॉय करेंगे घूमेंगे। आज टेम्परेचर 35 डिग्री है और इस वीक में 37 टच करेगा, इतनी गर्मी है कि मतलब कि आलू पकौड़ा बने पड़े हैं। ये है जी वो हैदर अली सेंटर जो देखने के लिए हम आए थे, बहुत ही प्यारा खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सामने स्टेडियम है। अगर आप लोग इस साइड आए तो डेफिनेटली विज़िट करना, बट आज तो बहुत ज़्यादा बस हुई है। बंदा जी ये भी ओह माय गॉड, उतरो पैदल 37। ये बेचारा रशियन लड़का भी ना हमारे साथ स्टक हो गया, हमें घुमा रहा है। मी के अंदर इन लोगों ने सारे एक्सीलेटर बंद किए हुए हैं, सर्दी में चला देंगे आई थिंक, कि गर्मी में वैसे ही इतना वॉकिंग करना मुश्किल हो रहा है। इन्होंने ऊपर से सारे एक्सीलेटर बंद किए हुए हैं, 4 या 5 एक्सीलेटर हैं, सारे के सारे बंद किए हुए हैं, पसीना पूरा निकल रहा है क्योंकि वो अब बहुत अप था हैदर अली स्टेशन। इसके नीचे एक बड़ा प्यारा सा बाकू का साइन है जो बाकू के अंदर मोस्ट पिक्चराइजेशन जगह है। इनके चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए जी कितना खूबसूरत है। ये शायद सामने आपको ब्राउन कलर का एक बंगला नज़र आ रहा होगा, बहुत ही प्यारा है, कैमरे की नज़र में शायद आपको इतना नहीं आ रहा होगा, अदरवाइज़ बहुत खूबसूरत बना हुआ है। 5 एक्सीलेटर अभी उतराए हैं, ये लास्ट वन है जी। हाँ जी, जो लड़का आपको दिखाया था वो एक आपको स्कैम के लिए मैंने वो रशियन लड़के को अपने साथ लिया था, वो हमने उससे स्टेशन के ऊपर मेट्रो स्टेशन पे वैसे एड्रेस पूछा प्रिंस भैया ने, तो उसने बोला अभी मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ लेके आया वो प्रिंस भैया से कितने दस मन्नत मांग रहा है जी कि मैं आपको यहाँ लेके आया, और आधा किलोमीटर हम गूगल मैप पे नहीं आ सकते थे। मैंने उससे पूछा अभी क्यों तू 10 मन्नत मांग रहा है, तो कहता मैं आपको यहाँ पे गाइड करके ले आऊँ। हमने बोला अंदर तो हम गए नहीं, किस चीज़ की गाइडनेस, तो अभी उसको हमने डांट के भगाया। वो ट्रांसलेट करते वक्त ना मेरा फ़ोन अपने हाथ में लेके बैठ गया, तो मैंने अभी फ़ोन उससे अपना छीना, आईफोन ऐसा ना हो कि मेरा फोन ले जाए। अगर हम लाइटली ले रहे तो वो ले भी जाता, शायद उसका मकसद यही था कि अभी हमसे 10 मन्नत ले जाए, 450 रुपए बनता है। तो ऐसे अजरबैजान में बहुत से स्कैम होते हैं, तो आप उन सब स्कैम से बच के रहना। ऐसे जो गाइडर बन के आते हैं आपसे 10 मन्नत 20 मन्नत 30 मन्नत जबरदस्ती ले जाएंगे पुलिस का झांका देके, तो ऐसे स्कैम से दूर बच के रहना आप। ठीक है जी, वापस आके अपने हॉस्टल के एरिया में, साहिल है जो हमारे एरिया का नाम। अभी गर्मी है बहुत ज़्यादा, हॉस्टल जाके आराम करेंगे, टेम्परेचर आपको पहले ही बोला काफ़ी हाई है, भूख लगी है, पहले लंच वही डोनर खाएंगे। डोनर आपको 2 मन्नत का मिल जाता है अप्रॉक्सीमेट 85 रुपये में, 85 to 100 में आप बहुत बढ़िया यहाँ पे लंच भी कर सकते हो, डिनर भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआओं से ही बात बननी है। बस दुआओं में याद रखना, परमात्मा आप सब लोगों को सदा खुश रखे, मौज करिए, रोज करिए।